इस वीडियो क्लास में हम उत्तर प्रदेश सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित यूपी टीजीटी बायोलॉजी 2011 के पेपर को सॉल्व करेंगे फुल डिस्कशन के साथ। और ये जो पेपर आयोजित हुआ था ये थोड़ा हार्ड माना जाता है क्योंकि यहाँ इस पेपर में बहुत ही डीपली पूछा गया है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक की तरफ। क्रोमेटिन में उपस्थित होता है तो केंद्रक का जो महत्वपूर्ण भाग है वो क्या होता है? क्रोमेटिन होता है। और केंद्रक में मिलने वाली एक जो संरचना है जिस पर न्यूक्लियोसोम्स एक के बाद एक मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। और यही क्रोमेटिन फिर संघनित होकर के सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। तो इसमें डीएनए, हिस्टोन व आरएनए उपस्थित रहते हैं। निम्न में से किस विषाणु में सूचना का प्रवाह उल्टा अर्थात आरएनए से डीएनए की तरफ होता है? तो देखिए, जो फ्रांसिस क्रिक नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था कि एक सेंट्रल डोगमा का विचार प्रस्तुत किया था। इसमें से उन्होंने स्पष्ट किया था कि आनुवंशिक सूचनाओं का जो बहाव होता है वो क्या होता है? डीएनए से आरएनए व इससे प्रोटीन की तरह होता है, लेकिन एचआईवी वायरस में आरएनए से डीएनए की तरफ होता है। तो यहाँ पर जो सूचना का प्रवाह उल्टा होगा किसमें? एचआईवी वायरस में। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है? तो ग्रिफिथ ने 1928 में सर्वप्रथम रूपांतरण की क्रिया का पता लगाया था। तो इन्होंने कहा था कि प्रोटीन पाचक एंजाइम और प्रोटीएजेज व आरएनए जो पाचक एंजाइम है इस रूपांतरण को प्रभावित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी कि प्रोटीएजेज और आरएनए ये प्रभावित नहीं करते हैं। यदि किसी अमीनो अम्ल में NH2 तथा COOH समूह एक ही कार्बन से जुड़े हों तो ऐसे अमीनो अम्ल को क्या कहेंगे? ऐसे अमीनो अम्ल को कहेंगे अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड जो होते हैं वो क्या है? प्राइमरी अमीन ग्रुप है, NH2 है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH जुड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड। परिपक्व mRNA में जीन का कौन सा भाग उपलब्ध नहीं होता? तो जो मैच्योर mRNA है उसमें जीन का इंट्रॉन भाग उपलब्ध नहीं होता है। यह RNA का एक प्रकार है जो कम से कम एक जीन को इनकोड करता है और बाद में क्या करता है? प्रोटीन में अनुवादित हो जाता है। जबकि जो प्री mRNA है उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन क्या है? दोनों भाग लेते हैं, लेकिन मैच्योर mRNA में इंट्रॉन भाग उपलब्ध नहीं होता है। सूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं? तो जो प्रोफेज स्टेज है वो बहुत लंबी स्टेज होती है और उसमें से क्रोमोसोम अपनी पहचान खो देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गुणसूत्रों का कैरियोटाइप किस प्रावस्था में तैयार किया जाता है? तो वो जो स्टेज होती है वो स्टेज कौन सी होती है? मेटाफेज स्टेज होती है। क्रोमोसोम का कैरियोटाइप मेटाफेज स्टेज में तैयार किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक सेट में गुणसूत्रों की संख्या और एक सेट के गुणसूत्रों के आकार से अपेक्षित संबंध गुणसूत्रों की संरचना उनके व्यवहार तथा संगठन का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर मेटाफेज करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है? यहाँ पर जीवाणु का नाम पूछा गया है। तो जो नाइट्री कारक बैक्टीरिया होते हैं ये अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट में बदल देते हैं, जैसे नाइट्रोकोकस जीवाणु। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा तत्व रूबिस्को का कोफैक्टर है? तो जो मैग्नीशियम है वो रूबिस्को का कोफैक्टर है। अप्रकाशिक अभिक्रिया में जो CO2 होता है वो RUBP द्वारा ग्रहण की जाती है और एक 6 कार्बन वाला यौगिक बनाता है। तो यह यौगिक क्या होता है? अस्थायी होता है और जल्द ही फास्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणु बनाता है। यही फास्फोग्लिसरिक अम्ल आगे चलकर क्या बनाता है? शर्करा बनाता है। तो यहाँ पर रूबिस्को का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम में निम्न में से किसके इलेक्ट्रॉन NADP को अपचयित करते हैं?
तो प्रकाश संश्लेषण की जो जेड स्कीम है उसमें जो H2O है उसके अल्फा इलेक्ट्रॉन NADP को अपचयित करते हैं और पौधों में प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के लिए जो ये जेड स्कीम है क्या है, ये ऊर्जा का चित्र है, ऊर्जा चित्र है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर किसके इलेक्ट्रॉन NADP को अपचयित करते हैं, वाटर के। C4 चक्र में CO2 ग्राही कौन है, तो C4 चक्र में जो CO2 ग्राही है वो क्या है, PEP यानी कि फास्फोफिनाल पाइरूविक एसिड। CO2 ग्राही यहाँ पर है PEP। एक ईस्ट कोशिका में एक ग्लूकोज अणु कुल कितने ATP उत्पन्न करता है, तो यहाँ पर देखिए जो एक ईस्ट की कोशिका है वो एक ग्लूकोज के अणु से 2 ATP उत्पन्न करता है। वायवीय श्वसन में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही है, तो एरोबिक जो रिस्पायरेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही ऑक्सीजन के अलावा अन्य सभी इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो ये दोनों प्रक्रियाएं क्या है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म के दौरान दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अंतिम ग्राही। किस संरचना में ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है, तो रूट जाइलम की संरचना में ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है, निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल इज ऑब्जर्व रूट जाइलम। कौन सा खनिज रक्षक कोशिका में जल विभव का नियंत्रण करता है, यानी जो गार्ड सेल्स होती हैं उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा खनिज उस गार्ड सेल्स में जल विभव का नियंत्रण करता है, रेगुलेट्स करता है। तो जो पोटेशियम होता है वो गार्ड सेल्स में जल विभव का नियंत्रण करता है, पोटेशियम। गहरे सामुद्रिक पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो सकता है, तो जो डीप सी वाटर है उसमें एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है, जीवाश्म हो सकता है, फॉसिल्स हो सकता है, जबकि जीव जगत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश होता है। नेपेंथीज खासियाना है, तो जो नेपेंथीज खासियाना है वो क्या है, एक कीट भच्छी पौधा है और ये कीटों को पकड़कर तथा पचाकर अपनी नाइट्रोजन की कमी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, अतः यह प्राथमिक मांसाहारी भी हैं और प्राथमिक उत्पादक भी होते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक मांसाहारी तथा प्राथमिक उत्पादक, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है, तो जो रेड एल्गी है वो समुद्री पानी में बहुत गहराई में पाए जाते हैं, रेड एल्गी, लाल शैवाल। यदि RQ का मान 0.7 है तो श्वसन आधारी पदार्थ होगा, देखिए RQ क्या होता है, श्वसन गुणांक होता है, तो निष्कासित CO2 का आयतन अपान अवशोषित ऑक्सीजन का आयतन। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 0.7 है ना, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है, एक होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का एक होता है और 0.7 जो होता है वो फैट का होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 0.7 किसका है, फैट का है। इनमें से किसका पाचन मुख गुहा में नहीं होता है, तो ग्लूकोज प्रोटीन्स और फैटी एसिड, इन सभी का पाचन मुख गुहा में नहीं होता है, डी ऑप्शन। क्लोराइड शिफ्ट संबंधित है, तो जो क्लोराइड शिफ्ट है वो क्या है, CO2 परिवहन से संबंधित है, ठीक है, CO2 परिवहन से संबंधित है, और यह जो है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पाई जाती है जिसमें बाइकार्बोनेट का आदान प्रदान होता है और क्लोराइड जो होती है वो RBC मेम्ब्रेन को पार कर बाहर निकल जाती है, तो CO2 का परिवहन।
से संबंधित है। एक कोशिका में वसी अम्ल के ऑक्सीकरण की मुख्य विधि है, तो जो मेन मेथड ऑफ फैटी एसिड है वो ऑक्सीडेशन इन ए सेल, वो क्या है, वो बीटा ऑक्सीडेशन है, बीटा ऑक्सीकरण। एक कोशिका में फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन की मुख्य विधि क्या है, बीटा ऑक्सीकरण। मनुष्य के शरीर में हमें अध्रुवीय न्यूरॉन कहाँ देखने को मिलते हैं, तो रेटिना की जो एमेक्ट्रोइन कोशिकाएं होती हैं वहाँ पर हमको अध्रुवीय न्यूरॉन देखने को मिलते हैं, रेटिना की एमेक्ट्रोइन कोशिकाओं में। आवेग संचरण मतलब आवेग संरचना के दौरान एक्सॉन कला का विध्रुवण किस कारण होता है, तो आवेग संचरण जो होता है ये क्या है, ये नर्व इम्पल्स कंडक्शन का पार्ट है। यहाँ पे जो पूछा जा रहा है ये आवेग संचरण, तो उसके दौरान क्या होता है कि एक्सॉन कला का डीपोलराइजेशन सोडियम के अंदर जाने से होता है, ठीक है, सोडियम के अंदर जाने से होता है। आंतरिक कर्ण में अर्धचक्रीय नलिकाएं संबंधित हैं, तो जो अर्धचक्रीय नलिकाएं होती हैं आंतरिक कर्ण में वो क्या है, शरीर संतुलन से संबंधित हैं, बॉडी बैलेंसिंग। स्वस्थ मनुष्य में हृदय चक्र की अवधि होती है, कार्डियक साइकिल यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो स्वस्थ मनुष्य के हृदय चक्र की जो अवधि है वो क्या है, 0.8 सेकेंड होती है, 0.8 सेकेंड होती है। और एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदय चक्र होता है, ये 0.8। जल तथा सोडियम का जो पुनः अवशोषण है वो एक साथ होता है, किस में होता है, तो देखिए जो डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है यानी कि DCT, वहाँ पर जल तथा सोडियम का पुनरावशेषण यानी कि रीऑब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, तो ये किस में होगा, DCT। इसके बाद है एक्रोमियन प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ, तो जो एक्रोमियन प्रवर्ध है वो स्कैपुला अस्थि का भाग होता है, तो स्कैपुला अस्थि है उसका भाग होता है ये एक्रोमियन प्रवर्ध। स्कैपुला क्या होती है, एक बड़ी चपटी और त्रिकोणाकार हड्डी होती है जो कंधे के नीचे हमारी पीठ के ऊपरी भाग में स्थित रहती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एक्रोमियन प्रोसेस, देखिए कितना डीपली क्वेश्चन है ये, तो ये पाया जाएगा स्कैपुला। पेशीय संकुचन की क्रियात्मक इकाई है, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि इस वाले जो पेपर में है उसमें अधिकतर प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इन्हीं 3-4 टॉपिक से बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि बॉटनी से बहुत ही कम लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन है पेशीय संकुचन की क्रियात्मक इकाई है, पेशीय संकुचन की जो क्रियात्मक इकाई है वो क्या है, सार्कोमियर है। प्रत्येक रेखित पेशी क्या होती है, अनेक तंतुओं की बनी होती है, और मायोफाइब्रिल का जो दो जड़ पंक्तियों के बीच का भाग है वो कहलाता है सार्कोमियर। 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें प्रोटोजोआ को किस में रखा गया है, प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया है, ठीक है। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी मोनेरा किंगडम में है, और उसके बाद फंजाई में फंजाई है, प्लांटी में पौधे हैं, और किंगडम एनिमेलिया में क्या है, जंतु है। तो व्हिटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रस्तावित किया था, ये एलटी ग्रेड एग्जाम में भी पूछा गया था कि व्हिटकर ने कौन सा क्लासिफिकेशन किया था, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिटकर ने प्रस्तावित किया था। तो 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ किस में रखा गया है, प्रोटोजोआ को रखा गया है प्रोटिस्टा। किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है, तो जो ईस्ट समूह के सदस्य हैं उनका उपयोग बियर बनाने में किया जाता है।
प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक है? तो प्लाज्मोडियम की जो स्पोरोजॉइट अवस्था है वो मनुष्यों के लिए संक्रामक होती है। स्पोरोजॉइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक है? स्पोरोजॉइट। क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि 125 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा आप स्पीड से भी इसको देखिए। केचुए में टिफ्लोसोल का कार्य है, तो केचुए में जो टिफ्लोसोल का कार्य है वो क्या है? पाचन तथा अवशोषण से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टिफ्लोसोल का कार्य है पाचन तथा अवशोषण, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अगला क्वेश्चन है, एक्जोलोटल लार्वा संबंधित है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो ये एक्सोलोटल लार्वा किससे? एम्बिस्टोमा का लार्वा है, जो कि क्या है ये, जो कि ये एक एम्फीबिया है। तो एक्सोलोटल लार्वा संबंधित है किससे? कुछ उभयचरों से। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी करेक्ट होगा। इनमें से किन जंतुओं में ब्रैंकियल श्वसन पाया जाता है? तो देखिए, जो ब्रैंकियल श्वसन है वो प्राण तथा साइक्लोप्स में पाया जाता है, लेकिन आयोग ने क्या माना है? डी माना है, फिशेज एंड इक्थियोफिस। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब आयोग ने डी माना है तो डी ही करेक्ट यहाँ पर करते हैं। जल संवहन तंत्र किसका एक लक्षण है? तो जो जल संवहन तंत्र है वो किसका एक लक्षण है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, स्टारफिश। ठीक है, स्टारफिश का है एक लक्षण, एस्टेरिएसिस, तारा मछली। सिनसैक्रम अस्थि किसका लक्षण है? तो जो सिनसैक्रम अस्थि है वो उड़नशील चिड़ियों में पाया जाता है। इसमें हड्डियां क्या होती हैं? छिद्रयुक्त होती हैं, यानी कि वातिल होती हैं, वायु से भरी होने के कारण हल्की होती हैं परंतु मजबूत होती हैं। तो सिनसैक्रम अस्थि उड़नशील चिड़ियों में पाई जाती है, फ्लाइंग बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज प्रकृति पाई जाती है, सीड हैबिट इज ऑब्जर्व्ड इन। तो जो बीज प्रकृति होती है वो सिलेजिनेला में पाई जाती है। ठीक है, सिलेजिनेला में। ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद अवस्था होती है, स्पोरोफाइट स्टेज पूछ रहा है यहाँ पे। तो ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट स्टेज हमेशा क्या होती है? हमेशा डिप्लॉइड होती है, हमेशा डिप्लॉइड होती है। सत्य कथन पहचानिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। तो प्रोटोजोआ अधिकतर क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं, अर्थात यह सभी प्रकार के ठोस भोजन कणों को ग्रहण कर लेता है, और बैक्टीरिया, एल्गी, डायटम आदि सूक्ष्म जीव इसके क्या होते हैं? भोजन होते हैं। तो यहाँ पर जो सत्य कथन है वो क्या है? ए नंबर होगा, प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं। स्थाई ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं कहलाता है। तो जो स्थाई ऊतक है जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यानी कि जटिल ऊतक। जो जटिल ऊतक है इसमें सभी विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं वो पाई जाती हैं। केचुआ में प्रोस्टोमियम का मुख्य कार्य है, तो जो केचुआ है उसमें प्रोस्टोमियम का मुख्य कार्य क्या है? मिट्टी खोदना, और संवेदी अंग के रूप में भी ये कार्य करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी कि ए और बी, मिट्टी भी खोदता है, संवेदी अंग की तरह भी, दोनों काम करता है प्रोस्टोमियम। ईटी, तो इसमें से सही रूप है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में पेप्टॉइड संश्लेषण होता है, तो कोशिका में पेप्टॉइड संश्लेषण किस में होता है? राइबोसोम में होता है, और राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? अमीनो अम्लों के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। हिस्टोन अष्टक में सम्मिलित नहीं है, देखिए ये भी बहुत डीपली क्वेश्चन है। हिस्टोन अष्टक में क्या है? H1 सम्मिलित नहीं है। जो न्यूक्लियोसोम है उसमें हिस्टोन तथा DNA की बनी अर्धबेलनाकार जो रचना होती है, इस रचना के बीच का भाग क्या होता है? हिस्टोन का होता है।
और इसमें 8 प्रकार के प्रोटीन के अणु मिलते हैं, 8 प्रोटीन के अणु मिलते हैं। इसमें से H2A, H2B, H3, H4 प्रोटीन के दो दो अणु होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऑक्टामर भी कहते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में बार काय की संख्या होती है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में बार काय की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। उत्परिवर्तन अधिकतर होते हैं, तो अधिकांश जो उत्परिवर्तन होते हैं वो हानिकारक प्रभाव वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसके सिद्धांत का मुख्य बिंदु था, तो उपार्जित लक्षणों की जो वंशागति है वो लैमार्क के सिद्धांत का मुख्य बिंदु था। अब यहाँ पे देखिए, जीनोटाइप और फीनोटाइप पूछा जा रहा है। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में कितने प्रकार के जीन, जीनोटाइप और फीनोटाइप लक्षण के होंगे, तो इसमें क्या होता है कि क्रमशः 9 जीनोटाइप के और 4 फीनोटाइप के होते हैं, तो यहाँ पे ये 9 जीनोटाइप और 4 फीनोटाइप। ABO रक्त समूह के लिए मानव समष्टि में कुल कितने जीव प्रारूप संभव हैं, तो ABO ब्लड ग्रुप के मानव समष्टि में कुल 6 जीनोटाइप संभव हैं। एक कोडोन का कौन सा क्षार वोबल क्षार कहलाता है, तो एक कोडोन का जो तृतीय क्षार होता है, ठीक है, थर्ड वाला, वो कहलाता है वोबल क्षार। इसके बाद है, मेलसन तथा स्टॉल ने अपने प्रयोग के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया था। देखिए ये भी बहुत डीपली क्वेश्चन है, तो इसमें से बहुत ही ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैसेलसन और स्टॉल ने क्या किया था कि जो N15 वो रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया था। N15 नाइट्रोजन के जो आइसोटोप होते हैं वो कल्चर मीडिया में ईकोली को संवर्धित किया था, कल्चर किया था, जिसमें से इनके DNA के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं उनके प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स में N14 के स्थान पर N15 आइसोटोप संश्लेषित किया गया था। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। यदि किसी RNA अणु में 15% एडिनिन है तो साइटोसिन की मात्रा यहाँ पे पूछी जा रही है, तो देखिए पता है हमको कि A बराबर कितने UK, ठीक है, एडिनिन यहाँ पे RNA है ना, यहाँ पे थाइमिन की जगह क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा, ठीक है, एडिनिन बराबर यूरेसिल के, और ग्वानिन बराबर किसके हो जाएगा, साइटोसिन के। तो अगर हम इन सबको कितना माने, 100% माने, ठीक है, इनको हम 100% माने, तो एडिनिन बराबर किसके है, एडिनिन बराबर यूरेसिल के है ना, तो एडिनिन कितना पूछ रहा है यहाँ पे, 15% है, ठीक है, 15% है, तो यूरेसिल भी कितना होगा, 15% होगा। अब दोनों ये कितने हैं, 30% हो गए, ठीक है, तो अब 100 में से 30 गए बराबर कितना बचा, 70% बचा। तो इसमें से पूछ रहा है कि साइटोसिन की मात्रा होगी, तो इसमें से साइटोसिन की मात्रा कितनी होगी, 35% होगी, ठीक है, 35%। पौधों का मृदा विहीन संवर्धन कहलाता है, तो ये जो हाइड्रोपोनिक्स होता है ये पौधों का क्या होता है, मृदा विहीन, यानी कि मिट्टी के बिना ही केवल पानी और पोषक तत्वों से उगाया जाता है, तो ये हाइड्रोपोनिक्स खेती इसको कहते हैं। क्रिएटिन फॉस्फेट मिलता है, तो जो क्रिएटिन फॉस्फेट है वो क्या, पेशीय ऊतक में मिलता है, पेशीय ऊतक में मिलता है। एक लीटर रक्त के द्वारा कितनी ऑक्सीजन ऊतकों तक पहुंचाई जाती है, देखिए ये सब ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक लीटर रक्त के द्वारा 200 ml ऑक्सीजन ऊतकों तक पहुँचाई जाती है। इसके बाद एक खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर दर्शाते हैं, तो जो फूड चैन है उसमें पोषक स्तर क्या करते हैं, ऊर्जा स्तर को दर्शाते हैं, एनर्जी लेवल को दर्शाते हैं। इसके बाद है, ग्लॉसिना पैल्पेलिस किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है, तो ग्लॉसिना पैल्पेलिस है जो क्या है, सीसी मक्खी का जूलॉजिकल नाम है, ठीक है, सीसी मक्खी का जूलॉजिकल नाम है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
पिक्नोजाइलिक कास्ट पाई जाती है। तो यहाँ पर आप पी से आप क्या याद रखिएगा, पी से यहाँ पर आप पाइनस को याद रखिएगा, ठीक है, पिक्नोजाइलिक। तो पिक्नोजाइलिक जो है वो पाइनस में पाई जाती है, ठीक है। और मोनोजाइलिक वुड किस में पाई जाती है, साइकस में पाई जाती है। ये सब क्या है, जिम्नोस्पर्म थे। बाथ स्पंज है, बाथ स्पंज क्या है, यू स्पांजिया को कहते हैं, बाथ स्पंज, यू स्पांजिया। गॉसिपियम किस कुल के अंतर्गत आता है, तो जो गॉसिपियम है वो मालवेसी फैमिली के अंतर्गत आता है, जिसे क्या कहते हैं, कपास भी कहते हैं, मालवेसी फैमिली। इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जन्य नहीं है, तो पोलियो जो है वो विषाणु जनित रोग है, ठीक है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जनित नहीं है, तो पोलियो नहीं है, ठीक है। पोलियो क्या है, पोलियो विषाणु जनित है। इसके बाद है मेटाजेनेसिस किस वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलती है, तो जो मेटाजेनेसिस है वो हाइड्रोजोआ वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलती है, ठीक है। और असेक्स, ये जो हाइड्रोजोआ वर्ग के जंतु हैं उसमें क्या असेक्सुअल बल्ब सेक्सुअल मेड्यूसा में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस कहते हैं। इनमें से कौन सा स्तनधारियों का लाक्षणिक गुण नहीं है, यानी कि जो मैमल्स का यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स पूछा जा रहा है, तो कौन सा नहीं है, तो प्लेसेंटा, डायफ्राम और नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी मैमल्स का प्रमुख लक्षण है ये, लेकिन कर्ण अस्थियाँ मैमल्स का लाक्षणिक गुण नहीं है, ठीक है। डायफ्राम, प्लेसेंटा और ये क्या है, नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी है, जो आरबीसी में जो केंद्रक है, तो ये क्या है, नॉन न्यूक्लिएटेड यानी कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो ये सब मैमल्स के प्रमुख लाक्षणिक गुण हैं, लेकिन जो कर्ण अस्थियां हैं वो मैमल्स का लाक्षणिक गुण नहीं है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा। स्फेनोडॉन जो कि एक जीवित जीवाश्म है, किस समूह से संबंधित है, तो स्फेनोडॉन एक क्या है, लिविंग फॉसिल्स है, जो रिकेसिफेलिया नामक समूह से संबंधित है। निम्नांकित में से कौन सा आरआरएनए का एक संकेंद्रीय कोशिका के कोशिका द्रव्य में नहीं पाया जाता है, तो जो 16 एसआरएनए है वो एक संकेंद्रीय कोशिका के कोशिका द्रव्य में नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले बंधों का प्रकार है, तो कार्बोहाइड्रेट में जो बॉन्ड पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक वायरस में पाया जाता है, वायरस में प्रोटीन और क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद है, निम्नांकित में से किस वैज्ञानिक ने ओयनोथेरा लैमार्कियाना पर कार्य किया है, अब देखिए यहाँ पर कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा है, जो ह्यूगो डी ब्रिज थे उन्होंने क्या किया था, सांध्य प्रिमरोज नामक पौधे पर अपना एक संघ किया था, जो है अपना एक प्रयोग किया था सांध्य प्रिमरोज नामक पौधे पर, तो जो सांध्य प्रिमरोज है उसी को तो ही कहते हैं ओयनोथेरा लैमार्कियाना, ठीक है। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने प्रस्तावित किया था, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ओयनोथेरा लैमार्कियाना पर कार्य किया था, यानी सांध्य प्रिमरोज पर, उत्परिवर्तन पर, तो ये किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, तो ये जनन कोशिकाओं में पाया जाता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। और जो समसूत्री विभाजन है वो दैहिक कोशिका में पाया जाता है, तो यहाँ पे अर्धसूत्री पूछा जा रहा है, तो ये सभी जनन कोशिकाओं में। निम्नांकित में से कौन सी कोशिकाएं कभी भी एस प्रावस्था में प्रवेश नहीं करती हैं, तो मनुष्य की जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, नर्व सेल्स, वो क्या होती हैं, कभी भी एस स्टेज में प्रवेश नहीं करती हैं। माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है, माइकोप्लाज्मा को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है, मोनेरा जगत।
कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा जा रहा है कि कोनिडिया द्वारा किसमें पाया जाता है, तो पेनिसिलियम, पेनिसिलियम जो है उसमें कोनिडिया क्या होती है, अंगुलाकार संरचनाएं होती हैं, इसमें से पेनिसिलियम क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पेनिसिलियम में, ठीक है। यहाँ इस तरह से ये अंगुलाकार इस प्रकार से रचनाएं पाई जाती हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं। तो कोनिडिया द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेनिसिलियम में पाया जाता है। लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, किसमें अब्सेंट होता है, ड्यूटेरोमाइसिटीज में, ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, ये किसमें, फंजाई है, फंजाई का ग्रुप है। एक जीवाणु में फार्मिलेटेड मैथियोनिन के लिए आनुवंशिक कोड होता है, तो यहाँ पर जेनेटिक कोड पूछा जा रहा है, ये भी बहुत देखिए डीपली क्वेश्चन है। एक जीवाणु में फार्मिलेटेड मैथियोनिन के लिए आनुवंशिक कोड क्या होता है, AUG होता है। इसके बाद है पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित होता है, तो बहुत से जो जीवाणु कोशिकाएं होती हैं उनकी कोशिका भित्ति में क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित होता है, बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में। अचक्रिय प्रकाश में अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, तो जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या होता है, NADP, ठीक है, NADP बी ऑप्शन। इसके बाद एक क्रेब्स चक्र में एक एसिटिल कोएंजाइम ए से कुल कितने ATP बन सकते हैं, तो यहाँ पर जो ATP की संख्या पूछ रहा है वो कितनी है, 12 ATP बन सकते हैं। क्रेब्स चक्र में एक एसिटिल कोएंजाइम में से कुल 12 ATP बन सकते हैं। कौन सा हार्मोन रंध्रों को बंद कर सकता है, इस्टोमेटा को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा हार्मोन बंद कर सकता है, तो जो एप्सिसिक एसिड है, एप्सिसिक एसिड को देखिए यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दिया है ABA, एप्सिसिक एसिड जो है वो इस्टोमेटा को बंद करके वाष्पोत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ होता है, तो देखिए जो ग्लूकोज का पाचन है इसको आयोग ने क्या बोला है, नन ऑफ दीज माना है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, मुख गुहा से भी नहीं, आमाशय से भी नहीं, छोटी आँख से भी नहीं, किसी से भी नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी माना गया है, इनमें से कोई नहीं। हृदय की दोनों आवाज़ों के मध्य कितना समय अंतराल होता है, गैप पूछा जा रहा है, टू हर्ट साउंड के बीच यहाँ पे गैप कितना होता है, तो हृदय की दोनों आवाज़ों की जो मध्य गैप होता है वो 0.8 सेकेंड का गैप होता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के कपाल में हड्डियों की कुल संख्या पूछी जा रही है, ठीक है, स्कल में, खोपड़ी में, तो नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल कितनी है, 29 है, 29, ठीक है, जिसमें से क्रेनियल में कितनी है, क्रेनियल में 8 है, और फेशियल में कितनी है, 14 है, कान की हड्डियों में कितनी है, 6 है, और हाइड भाग में कितनी है, 1 है, तो टोटल कितनी हो गई, 29 हो गई, 29। हिस्टामीन का श्रावण होता है, तो जो हिस्टामीन है उसका श्रावण किससे होता है, बेसोफिल तथा मास्ट कोशिका से होता है, बेसोफिल तथा मास्ट कोशिका, और हिस्टामिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, तो मास्ट कोशिकाएं हिस्टामिन, हिपेरिन तथा सीरोटिन नामक जो नाम की तीन सक्रिय पदार्थों का सीक्रेशन करती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है पीत अस्थि मज्जा का कार्य है, तो जो येलो बोन मैरो है वो वसा के संग्रह का कार्य करती है, सॉफ्ट भाग में जो वसा की कोशिकाएं होती हैं उसकी प्रचुरता के कारण अस्थि मज्जा क्या होती है, पीली हो जाती है, और हेड के पास रुधिर वाहिनियों की प्रचुरता के कारण अस्थि मज्जा लाल होती है, तो यहाँ पे येलो बोन मैरो पूछा जा रहा है, तो ये क्या होता है, वसा के संग्रह का काम करता है, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, स्टोरेज ऑफ फैट। त्वचा में एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक सतह है, तो स्किन है जो उसमें एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक सतह क्या है, स्ट्रैटम मैलपीजी है,
स्ट्रैटम एल पी जी। टॉर्नेरिया लार्वा किसका लार्वा है? ये बहुत सरल क्वेश्चन पूछ लिया है। तो टॉर्नेरिया लार्वा प्लैनोग्लासस का लार्वा कहलाता है, और प्लैनोग्लासस को क्या कहते हैं? टंग वार्म भी कहते हैं, ठीक है। प्लैनोग्लासस को जिव्याक्रमी टंग वार्म भी कहते हैं। प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित है, तो प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस एवं बैप्सिया, ये सब क्या है? आंतरिक परजीवी है, और ये सभी स्पोरोजोआ वर्ग।